हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो इस चैप्टर को हमने चार अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो मराठी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश टू हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से, राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस फ्लो, राइट। सो प्लीज if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively। अगर आप English explanation सुनते हो और अपना video English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी question answer by heart करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, you can write on your own, that is very important। so हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश मराठी सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा और हम जो है इस सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए, बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be doing chapter number 9 from English, The Worth of a Fabric. So I'll be reading out the story and I'll be explaining to you it in Hindi. Tiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 200 years ago. सो तिरुवल्लुवर एक ग्रेट बहुत ही बड़े पोएट यानी कवि थे जो कि तमिल में रहते थे, वो भी 2000 साल पहले। तिरुकुल इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स, इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था तिरुकुरल, और वो आज तक लोग पढ़ते हैं और लोग पसंद करते हैं। तिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर, He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry and never used bad words, never shouted at anyone. तो तिरुवल्लुवर एक textile weaver था, यानी कपड़ों का व्यापार था उनका, और वो बहुत ही beautiful saris और कपड़े बनाया करते थे और उन्हें market में लाके
बेचा करते थे। लोगों में वो इसी बात से प्रसिद्ध थे कि उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, मतलब जल्दी से गुस्सा नहीं आता था उनको। उनको कभी गुस्सा नहीं आता था, वो जिस भी मतलब कोई भी चाहे बात हो वो उसको बहुत ही कामली तरीके से हैंडल करते थे। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स। दे ऑफन मेड फन ऑफ ईच अदर। आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट विल्लुवर, सेड द यंग मैन वन डे। आई एम अश्योर दैट आई कैन मेक हिम एंग्री। कम ऑन, लेट्स हैव सम फन टुडे। तो उसी शहर में एक अमीर और एक बहुत ही घमंडी इंसान भी रहता था, और उसके पास कोई काम नहीं था। वो बस अपने दोस्तों के संग इधर से उधर घूमता था और लोगों को परेशान करता था और अपनी लाइफ मस्ती से जी रहा था। तभी उसने वल्लुवर के बारे में सुना और उसने ये सोचा कि चलो आज इसको परेशान किया जाए। और उसने ये निश्चय किया कि वो इस चीज़ को गलत साबित कर देगा कि वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता। मतलब उसने ये सोचा था कि वो उसको इतना गुस्सा दिलाए picked up a beautiful piece of fabric। अब जो उसने किया वो ध्यान से सुनिएगा। वो मार्केट में गया, यानी बाजार में गया, और तिरुवल्लुवर की शॉप पर भी गया। वहाँ पर उसने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक उठाया, मतलब एक बहुत ही सुंदर कपड़ा, और उसने उसका प्राइस पूछा। तिरुवल्लुवर ने कामली आंसर किया, 8 coins, यानी 8 coins। तो तब यंग मैन ने उस कपड़े को खोला, उसकी तह खोली और उसको बीच में से 2 हिस्सों में फाड़ दिया। फिर उसने पूछा, अब इसका क्या प्राइस है? अब कोई नॉर्मल इंसान होगा तो उसको इस बात पे गुस्सा आएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो इसने कपड़ा बिना पूछे 2 हिस्सों में फाड़ दिया, और अभी तक तो इसने कपड़ा मुझसे लिया भी नहीं था। लेकिन तिरुवल्लुवर ने काम ली, क्योंकि उसने कपड़ा आधा किया तो उन्होंने पैसे भी आधे कर दिए, और कामली आंसर किया 4 coins। तो द यूथ वॉज टेकिंग अ बैक, मतलब शॉक्ड। वो आश्चर्यचकित हो गया। वाई डजेंट ही द मैन गेट एंग्री, ही थॉट। देन ही टोर द हाफ पीसेज इन टू हाफ अगेन। तो उसने सोचा कि ये मुझसे अभी तक गुस्सा क्यों नहीं हुआ, या इसने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया। और उसने इसी उसको और गुस्सा करने के लिए, उसको और उत्तेजित करने के लिए, जो आधा कपड़ा उसने तोड़ा था उसको भी और आधे में फाड़ दिया। और फिर उसने पूछा, अब इसका क्या प्राइस है? तिरुवल्लुवर ने फिर से कामली आंसर किया, उसका भी आधा, 4 coins का भी आधा, मतलब 2 coins। नाउ इट वॉज अ यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड। तो वो गुस्सा करने तो तिरुवल्लुवर को आया था, लेकिन गुस्सा उसे खुद को ही आ गया। कितनी फनी बात है ना। Now it was the young man who became agitated and he tore the pieces into half and half again and now what's the price? तो वो ऐसा करता चला गया जब तक उस फैब्रिक के पीसेस में नहीं धागे में हो गए। मतलब जिसे हम धागे कोई तो वीव करके फैब्रिक बनाते हैं, तो उसने उसको इस हद तक फाड़ दिया कपड़े को कि सिर्फ धागे ही धागे बचे थे, रैग्स। At last the fabric reduced to rags। फिर उसने तिरुवल्लुवर से पूछा कि अब क्या इसका प्राइस है? तिरुवल्लुवर ने बोला कि यंग मैन, अब मैं इसका कोई भाव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसको कोई पहन नहीं सकता, तो मैं इसको क्या ही प्राइस लगाऊं इसका। लेकिन ये भी उसने बहुत ही पेशेंटली और कामली आंसर किया। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज़ बिकम वर्थलेस। व्हाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट। अब तिरुवल्लुवर उसे समझाता है कि किस तरीके से और कितनी मेहनत से और कितने लोगों के श्रम से एक कपड़ा बन के तैयार होता है। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। तो उसने बोला, तुम्हें पता है ये जो फैब्रिक जो तुमने अभी फाड़ा ये एक दिन में नहीं बनता। मैनी पीपल हैव टॉयल टू मेक इट। मैनी पीपल हैव टॉयल, मतलब टॉयल मतलब मेहनत करी थी, बहुत लोगों का श्रम लगा था इसको बनाने में। द फार्मर हु ग्रू द कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। जिस किसान ने इसको अपने खेत में जो बोया था उसने काफ़ी महीनों तक इसको सींचा था, इसका ध्यान रखा था, अलग अलग मौसमों में इसका ध्यान रखा था, धूप में, बारिश में,
ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग. उसने एक एक कॉटन को पेड़ से निकाल के तोड़ के और उसको स्पिनिंग के लिए दिया था, यानी बनने के लिए आगे भेजा था मार्केट में. देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स. कॉटन एज अ प्लांट तो एक कॉटन की तरह आता है ना, उसको थ्रेड्स में भी तो बनाना पड़ता है, मतलब धागे भी तो बनाते हैं, फिर उन धागों से ही तो हम कपड़ा बनाते हैं. तो कॉटन को जब धागों में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो किसी ने ये काम भी किया. देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स. द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे लुक ऑन दीज लवली कलर्स. क्या होता है फिर जब धागे बन जाते हैं, तो ये कॉटन तो वाइट कलर की होती है ना, या अगर प्योर कॉटन देखा जाए तो ब्लैक या ग्रे कलर की होती है. तो उसको फिर धागे बनाने के बाद उनको डाई किया जाता है, जिससे कि हमारे कलरफुल कपड़े बन सके. My wife and I wove the threads together, putting in the beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric and we will be happy. फिर उसकी वाइफ और वो क्या करते हैं, डाई होने के बाद जब उनके पास थ्रेड्स आते हैं तो वो उन्हें वीव करते हैं. ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में जिस तरीके से दिखाया है, ये वीविंग मशीन होती है. ये पतले पतले से जो धागे दिख रहे हैं ये थ्रेड्स होते हैं, इनसे वीव करके ये कपड़ा बनता है. तो इस तरीके से कपड़ा बनता है, देखा ना कितने स्टेप्स लगते हैं, कितने लोग लगते हैं. कोई किसी दिन उनका ये कपड़ा खुशी खुशी पहनेगा, तो दिस देन ऑल आर वर्क विल हैव वुड हैव बीन रिवॉर्डेड. तो इसी से उनके वर्क को रिवॉर्ड मिलेगा. व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर एंड वेंट दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग. तो उन्होंने कहा कि जब तुमने ये कपड़ा फाड़ा या जब तुमने इस कपड़े को बर्बाद किया, तो तुमने सिर्फ कपड़ा बर्बाद नहीं किया, तुमने इसके पीछे जितनी मेहनत लगी थी, जितनी लेबर लगी थी, जितने लोगों ने प्यार से इसमें अपना श्रम डाला था, वो सब बर्बाद किया. तो मनी उसको दोबारा नहीं ला सकता, उस श्रम को, उस मेहनत को. द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट एंड नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. तो जब उसने ये इतना उत्तर सुना, इतनी बेइज्जती हुई उसकी दुकान पर आके, उसका कपड़ा फाड़ा, फिर उससे ऐसे पूछता है कि इसका क्या प्राइस है, उसके बाद भी उसको 8 रुपये दे रहा था कि नहीं अब फाड़ दिया, उसके बाद भी तुम लो. ही वॉज मतलब लाइक ही वॉज बींग सो एरोगेंट एंड बहुत तो गंदा बर्ताव किया उसके साथ. लेकिन फिर भी जब उसने ये देखा कि इनका बर्ताव मेरे संग चेंज नहीं हो रहा, और उन्होंने जब इतने प्यार से उन्हें पूरी स्टोरी सुनाई कि किस तरीके से फैब्रिक बनता है और कैसे पैसा उसको दोबारा नहीं लौटा सकता, तो उस यंग मैन का दिल पिघल गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ. एंड डू यू नो तिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, तिरुवल्लुवर ने आगे भी बोला कि आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, बट आर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक. If you tear it apart with hasty, thoughtless and actions, it will be destroyed and you will not get it back. तो तिरुवल्लुवर ने आखिर में उसे एक और सीख दी. उसने कहा कि ये जो फैब्रिक है ना, ये तो मैं दोबारा से बना लूँगा, ये कपड़ा ये दोबारा बन जाएगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत ही तो लगेगी लेकिन दोबारा बन के मार्केट में आ ही जाएगा. लेकिन ये हमारी लाइफ की तरह होता है, अगर हम अपनी लाइफ भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, बेवजह हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या गलत चीज़ों में उसका टाइम वेस्ट करेंगे, तो हमें ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी. इसलिए हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए. तिरुवल्लुवर की आंखें खुल गई और फिर तब से उसने डिसाइड किया कि वो आगे से ऐसे कोई भी काम नहीं करेगा, और जो भी वो करता था वो सब छोड़ देगा और अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करेगा. आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट. और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा. सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट. सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट. अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट. 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो, ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो.
टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं, सबकी बातें हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहां पर, वहां ज्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो, हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है, आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है, आपका पढ़ाई इम्प्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीजों की रीडिंग राइटिंग एक्सप्लेनेशन राइट, सो ये सारी चीजें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा, आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा, सो प्लीज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप क्लिक करिए, वहां पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए, उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोज रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा एक दो दिन परेशानी होगा, लेकिन एक दो दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलोअप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो, और फिर हर रोज डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीजें आप करोगे, करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे, और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मजेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए, और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पर ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।